मेरे को तो डिस्क्रिप्शन एग्ज़ाम ज़्यादा पसंद है, इसमें ज़्यादा स्कोर करने के मतलब अपॉर्चुनिटी होती है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। हमें उन्होंने बताया कि हमें परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, अभी तो उसे एक त्यौहार के रूप में देखना चाहिए। हमें परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए एवं साहसपूर्वक और खुद को पूरी तरह परीक्षा की तैयारी में आत्मसात करके परीक्षाएँ देनी चाहिए। सगळा भाईना राम राम। मऊ तरुण देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल झुंझुनू को जो केंद्रीय विद्यालय है पठिया भी पूछा देखा कि बच्चा ने परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो परीक्षा पर चर्चा करी जा रही है, विद्यालय का जो बच्चा ही फिलहाल अभी जो बैठा ही और मोदी जी जो बता रहे हैं बातें जो सुनवाई जा रही है, के सीख रहे हैं के बातचीत जो बताई जा रही है, परीक्षा पर जो चर्चा करी जा रही है, क्योंकि पूरी जानकारी है जो वीडियो में तन दिला था बने रहो वीडियो लास्ट तक देखो तो विक्रमान पूरी जानकारी तन मिल जैसी कि के मैसेज है जो मोस्टली देश का प्रधानमंत्री ही जो बच्चा ने देना चाहे हैं। परीक्षा पर जो चर्चा करी गई है अभी कुछ स्टूडेंट अपने साथ ही आओ मैं बात करना चाहूँ पूछना चाहूँ कि आज की जो चर्चा में है के ये सीखियो है। सर ने पहले तो नमस्कार और सब नंबर वाइज आप आपको परिचय करवा दो। नाम अपना? मैं राज कृष्णिया हूँ जी, 10th क्लास से हूँ और केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू की छात्रा। मैं प्रिंस रोलानिया कक्षा 10th की छात्रा केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू से जी। मैं यशस्वी कक्षा 12वीं कला की छात्रा के विजन। मैं कुशय कक्षा 12वीं विज्ञान का छात्र केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू से जी। केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू का छात्र अपने साथ ही 10th और 12th का जो परीक्षा पर आज चर्चा हुई है कि ये सीखियो है। सब पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ पर जवाब देना चाहे है कि आज जो प्रधानमंत्री जी चर्चा करी है परीक्षा पर के थे भी सीखे मारवाड़ी समझ रहे हो ना? हाँ के भी चीज़ में सीखियो है। आज जो हमने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देखा उससे हमें कई सारी बातें पता चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बच्चों से बात की हमें उन्होंने बताया कि हमें परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, अभी तो उसे एक त्यौहार के रूप में देखना चाहिए। हमें परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए एवं साहसपूर्वक और खुद को पूरी तरह परीक्षा की तैयारी में आत्मसात करके परीक्षाएं देनी चाहिए जी। पिछले 2 सालों जो देखा शायद कोरोना की वजह थारी एग्जाम को नहीं हुई। हाँ, आज एग्जाम हुई है पर एग्जाम ऑनलाइन स्टडी वगैरह प्रमोट सिस्टम भी हो तो शायद प्रमोट भी करा गया होगा। प्रमोट नहीं था, एग्जाम हुए पर ऑनलाइन जो स्टडी हुए उसके बेसिस पे मतलब एग्जाम हुए स्कूल में। स्कूल में एग्जाम हुए हैं? हाँ, एग्जाम दिए हैं आपने? हाँ, अच्छा। 8th क्लास का एक लास्ट एग्जाम रह गया था, बाकी एग्जाम हमने दिए थे 8th के भी और 9th के भी। 8th के और 9th के भी एग्जाम? 8th का एक लास्ट जो एग्जाम था ना वो रह गया था, मतलब जो जिस दिन लास्ट एग्जाम था उस दिन लॉकडाउन लग गया था पूरी तरीके से, और 9th के एग्जाम हमने स्कूल में आके दिए। तो इस बार की कसी की तैयारी है? हमने अपनी तरफ से तो पूरा 100% ही देना है। फिर भी मतलब अभी जो सिलेबस की हालांकि एक एग्जाम शायद अभी हो चुकी है जो ऑप्शनल हो बाय एग्जाम अभी हो चुकी हैं, और अब जो ऑब्जेक्टिव इनकी बोला अपना डिस्क्रिप्शन टाइप जो एग्जाम है इसकी कसी की तैयारी जो कर रहे हो? मेरे को तो डिस्क्रिप्शन एग्जाम ज़्यादा पसंद है, इसमें ज़्यादा स्कोर करने के मतलब अपॉर्चुनिटी होती है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, ये तो पूरी तैयारी कर रखी है। अभी जो 12th का स्टूडेंट ही पाऊँ आप बातचीत करना चाहूँ तो मोदी जी की सौ कौन सी एक चीज़ है जो था बेस्ट लगी आज की जो चर्चा ही बिकमान? मोदी जी ने जो बताया कि हमें कोई भी सिचुएशन है उसको कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना चाहिए, और कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, रोज़ उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो अच्छी लगी। आपको ये मौका मिलता कि आपको प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल पूछना है कुछ जानना है तो क्या वो सवाल आपका रहता? कोई प्रॉब्लम जिससे आप अभी चाहते हो कि उसका सॉल्यूशन होना चाहिए या फिर बच्चों को लेके अभी कोई इश्यू चल रहे हो? अभी ये जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाला इस बार किया गया है तो मेरा सवाल उसी के ऊपर होता। थान के शिक्षण न मिले और के जो आज के जो सेशन हो बिगमान सो बेस्ट के चीज रही? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें जो डर के खिलाफ जो लेटर लिखने के लिए कहा वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि डर को लेटर लिखो कि हमने मेहनत की है तो हमसे क्यों डरे, तुम मेरे को नहीं गिरा सकते मैं तुमको गिराऊंगा, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरा क्वेश्चन भी यही है कि अभी जो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम जो लगा रहे हैं कि 2 साल तक ही दे सकते हैं हम लोग, तो उसका कुछ किया जाए क्योंकि एक एग्ज़ाम में नहीं होगा ना कि अगर उसमें हमारा नहीं हुआ सिलेक्शन तो दूसरी साल नहीं हो पाएगा दूसरी सिलेक्शन में। जी जी, तो उसका टाइम बढ़ाना चाहिए उन्हें थोड़ा। हाँ, बिल्कुल। बच्चों बात करो जो सेशन आज हुए है परीक्षा पर चर्चा बिगमान बहुत सी चीज़ें जो बच्चा सीखी भी हैं, और उम्मीद करूँ हूँ कि जठाऊँ भी थे भी दे अगर बच्चा की एग्ज़ाम है तो बिन की तरीकाओं
देनी है यो सेशन थे भी जरूर जो अटेंड करे होगो और देखे होगो और चाहूँ कि बच्चा मोटिवेट बना के मोटिवेट करके है इस टाइम जो बहुत ज़्यादा जो माहौल है शांतिपूर्ण तरीका उन ज़्यादा कोई प्रेशर की एग्ज़ाम एग्ज़ाम है जो न कोई बहुत ज़्यादा बर्डन की कमान और आसान तरीका हुआ जो एग्ज़ाम संपन्न करवाया जाए बच्चा ने भी चीज़ के लिए मोटिवेट कर घर में ही जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज परीक्षा पर चर्चा बच्चों जो करी जा रही है ई कड़ी फिलहाल वर्तमान में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने साथ में झुंझुनू केंद्रीय विद्यालयों प्रिंसिपल सुमेर सिंह जी अपने साथ ही सर खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद नमस्ते जी सर मैं जानना चाहूँगा अभी मारवाड़ी समझ रहे हो जी मैं जानना चाहूँगा यह चीज़ की सर आज कितनी संख्या में जो बच्चा ही वो जो परीक्षा पर चर्चा आज जो अपना प्रयोग प्रोग्राम या फिर एक त्यौहार की नहीं देखा तो मनाया जा रहा है पूरा देश भर में तो कता बच्चा ही जो इसको लाभ उठा रहे हैं अभी जी प्रधानमंत्री जी की ये पहल 4 साल पहले शुरू हुई थी ये 5वां संस्करण है परीक्षा पे चर्चा का जो परीक्षाओं के सीजन में हर वर्ष आयोजित किया जाता है इस बार ये 1 अप्रैल को है जिसमें विद्यालय के 1200 से ज़्यादा बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमने विद्यालय में 13 जगह पे टीवी चैनल एलईडी पैनल इंटरैक्टिव बोर्ड प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से बच्चों के लिए व्यवस्था की है इसमें 1200 से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं करीब 150 अभिभावक हैं 50 से ज़्यादा हमारा स्टाफ है तो हम सब लोग इसको कार्यक्रम को देख रहे हैं जी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बच्चों के साथ देश भर के अलग अलग राज्यों से बच्चों के साथ प्रधानमंत्री जी का लाइव इंटरेक्शन होता है बच्चे अपने सवाल पूछते हैं जिसमें उनकी जिज्ञासाएं होती हैं परीक्षा से कैसे निपटें ये इस तरह के सवाल होते हैं परीक्षा के तनाव को कैसे दूर करें अच्छे मार्क्स कैसे लाएँ और खुशी खुशी परीक्षा को कैसे पार करें इस तरह की इसमें सवालात होते हैं जिनके प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं और अपनी तरफ से सलाह देते हैं कि बच्चों को कैसे अच्छे से अच्छे खुशनुमा माहौल में परीक्षाएं आयोजित की जाएं। सर आपने झुंझुनू कोई बच्चों को कोई सवाल रखे हो प्रधानमंत्री जी हूँ जो जिसको जवाब आज प्रधानमंत्री जी ने देना हो? हाँ नहीं अभी तक के कार्यक्रम में तो झुंझुनू से कोई नहीं आया है हाँ। लेकिन बच्चे देख रहे हैं जो अन्य बच्चों के सवाल हैं लगभग सब कॉमन सवाल होते हैं सभी के है ना हमारे यहाँ भी बच्चे अगर किसी को पूछना होता इनमें से कोई सवाल होता आज को जो प्रोग्राम है एक मान कुछ बच्चा ही जो शायद प्रत्येक स्वरूपों जो दिल्ली जाके भी वो तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम देख रहे हैं एक मान शिरकत करी है हाँ। तो सर के अभी तक वो अपने केंद्रीय विद्यालय ने कोई मौको मिलो या फिर अपने झुंझुनू जो कोई भी स्कूल ने प्रतिनिधित्व करने को मौको मिलो जो बच्चा बड़े जाके प्रतिनिधित्व करे नहीं आज के कार्यक्रम में जो तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में हो रहा है इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन होस्ट है उन्हीं के बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों के सवाल को प्रधानमंत्री जी के साथ रख रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ही इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहा है आसपास के स्कूलों के दिल्ली नोएडा गाजियाबाद वहाँ की केंद्रीय विद्यालयों के बच्चे भी वहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं ऑफलाइन माध्यम से बाकी जगहों पर ये ऑनलाइन माध्यम से दिखाया जा रहा है बिल्कुल सर प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं इसके अलावा मैं स्कूल की अगर अपने केंद्रीय विद्यालय की अगर बात करूँ तो परीक्षा को जो तनाव है बिन कम करण का की तरीकाओं है जो प्रयास करा जाए ही कि बच्चा इजीली एक आसान तरीका हो थोड़ा सो परीक्षा में जो पार्टिसिपेट करें परिवार ही जो परिजन ही आज ज़्यादा अहम जो रोल रहे वो एक परिजन को रहे माता पिता को है तो बन भी की तरीका समझाया जाए कि एग्ज़ाम के टाइम पर कहीं को माहौल जो बना के रखे जाए हाँ ये बात ठीक है पीछे 2 साल कोरोना में बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है और ख़ास तौर से बच्चों में जो लिखने की आवश्यकता होती है वो आदत कम हो गई है तो अब इसको ठीक करने के लिए हम लगातार अभिभावक मीटिंग करते हैं पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि बच्चे को प्रेशर में न लाएं उसको एक टाइम टेबल बना के दें धीरे धीरे लिखने का अभ्यास बढ़ाएँ और धीरे धीरे उसको पढ़ाई की तरफ मोड़ें हम स्कूल में भी रोज़ एक टेस्ट ले रहे हैं छोटी परीक्षा रोज़ करा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि उनको परीक्षा का भय दूर हो लिखने की जो उनकी हैबिट है वो फिर से डेवलप हो और प्रश्नों के अच्छे से अच्छे जवाब किस तरह से दिए जा सकते हैं राइटिंग स्किल उनकी इम्प्रूव हो इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं काउंसलर भी हम स्कूल में रखते हैं जो बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं काउंसलिंग करते हैं अगर कोई तनाव में रहता है परीक्षा के कारण तो जी एक की सर पिछले 2 सालों सिर्फ बच्चन प्रमोट करे जा रहे हैं ई बार है जो एग्ज़ाम होनी है 2 साल बाद में जो बोर्ड की एग्ज़ाम मोस्टली आप बात करी जाए तो बा बच्चा ने कुछ स्ट्रेस है या फिर बाहू की तरीका की प्रिपरेशन वगैरह क्योंकि
दो सालों प्रमोट हो रहे हैं, कोई एग्जाम कौन दे रहा। हाँ। तो ये बार क्या की स्थिति की अगर थोड़ी सी आप चर्चा करें तो क्या स्थिति जो तुम्हारे सामने आ रही है? हाँ, वो उसका मेन जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो ये लिख कम पा रहे हैं बच्चे। तो CBSE ने भी ये किया, टर्म वन जो एग्ज़ाम हुआ, CBSE इस बार दो एग्ज़ाम करा रहा है, तो प्रथम चरण की परीक्षा हो चुकी है और वो परीक्षा CBSE ने MCQ क्वेश्चंस रखे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लिखने वाला स्ट्रेस दिया नहीं। तो प्रथम चरण की जो परीक्षा थी वो थोड़ा ईजी वे में कंडक्ट कराई गई है, जिसमें लिखने का और वो कम था, लेकिन अब दूसरे चरण की परीक्षा है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगी, जिसमें बच्चों को प्रश्नों के सवाल विस्तार से लिखने होंगे। तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए हम रोज़ उनको लिखित अभ्यास करवा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि अब उसमें कोई डरने की बात नहीं है परीक्षा से। परीक्षा बच्चे देते आए हैं, जो बच्चा 10वीं में है वो 9 परीक्षाएं 9 क्लास पास करके आए हैं, जो 12वीं में है वो 11 क्लास पास करके आए हैं। तो इस तरह से उनका रोज़ हम हौसला बढ़ा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी परीक्षा दे पाएंगे बच्चे। बिल्कुल। के मैसेज सर जो देना चाहोगे अभिभावक हैं जो बच्चा ही बने कि जो आगामी परीक्षा बाकी होनी ही बिमकी तरीका को आपको जो मोटिवेशन है जो बना के रखें? हाँ, अभिभावकों के लिए मेरी तरफ से यही संदेश है कि बच्चों को अनावश्यक प्रेशर में नहीं लाएं, उनको समझाएं, हर बच्चे में टैलेंट है, बस आदत की बात हो जाती है कि पढ़ने की आदत नहीं रही या कम हो गई, या किसी किसी की पढ़ने की आदत अभी भी अच्छी बरकरार है। तो उनको आदत पे धीरे धीरे लाना है, समझा के, डांटना डपटना नहीं है, है ना। बच्चा अभिभावक का, शिक्षक का, सबका आदर करता है, तो वो संकोच में हो सकता है अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाए, लेकिन बच्चे को हमें समझना है कि वो क्या चाहता है, फिर उसकी मन की बात के हिसाब से उसको धीरे धीरे पढ़ाई की आदत में डालना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सब। जी, तो बात करी अभी आपने साथ केंद्रीय विद्यालयों प्रिंसिपल सुमेर सिंह जी, जो आप बातचीत करी है कि परीक्षा पर की तरीका को क्या मैसेज है जो बच्चा दिए गए है और प्रयास करे गए हैं कि की तरीका की आगे की जो परीक्षा होनी ही दो साल बाद में जो बच्चा ही कि अभी एग्जाम देगा, क्योंकि कोरोना टाइम में जो देखा जाओ तो सिर्फ बच्चा ने प्रमोट कर दिया जा पुराना, बाकी जो परफॉर्मेंस ही भी के अनुसार, लेकिन अब जब एग्जाम होने जा रही है तो हर कोई प्रयास कर रहे हो है कि बच्चा में है जो डर है वो न रहे और आसानी हुआ जो आपकी एग्जाम दें। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबर के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।